उरी में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की संख्या 20 हो गई है। आज इन जवानों को श्रीनगर में सेना के बादामी बाग कैंप में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान राज्य के सीएम महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। वहीं आर्मी कैंप में हुए आतंकी हमले के बाद से ही केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है। पाकिस्तान प्रायोजित बताए जा रहे इस हमले का जवाब कैसे दिया जाए, इस पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर समेत सभी शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। वहीं इससे पहले राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर ने पीएम मोदी को उरी हमले को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी। साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक के बाद गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि पाकिस्तान के कहने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास पर्याप्त सबूत है कि हमले में पाकिस्तान का हाथ है, हमें जो करना है सोच समझ कर करेंगे। आपको बता दें कि रविवार तड़के उरी आर्मी बेस पर आतंकियों ने हमला बोल दिया था। इस हमले में सेना के 20 जवान शहीद हुए थे और 25 अन्य घायल हैं। घायलों में 5 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आतंकी पीओके के रास्ते सुबह करीब 5 बजे के आसपास दाखिल हुए और फिर ताबड़तोड़ ग्रेनेड फेंके, जिससे कुछ बैरकों में आग लग गई। बैरक में आग लगने से एक तंबू में सो रहे डोगरा और बिहार रेजिमेंट के 20 जवान जिंदा जल गए। कश्मीर में 26 सालों में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर यह सबसे बड़ा हमला है। इस हमले में हमारे 20 जवानों ने बलिदान दे दिया, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कब तक हमारे जवान ऐसे ही मारे जाएंगे। अब मोदी सरकार ऐसे हमलों से कैसे निपटेगी और क्या रणनीति अपनाएगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।